फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं सैंडविच। तो सैंडविच में क्या क्या डलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले सैंडविच ब्रेड, ये हमने बिग वाली लेनी है जो सबसे बड़ी आती है, कि 1 किलो का आता है ये पैकेट, ठीक है, तो ये लेंगे। फिर ये मैंने टमाटर काट लिए हैं, ये प्याज है, ये मोजरेला चीज़ है, ये नमक, इसके लिए चाहिए हमें ये डिलीशियस का बटर। आप चाहो तो अमूल्य का भी ले सकते हो, अमूल का। एंड ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च उसका पाउडर है, ठीक है। फिर और ये है ऑर्गेनो, ये हर्ब्स होते हैं जो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये है चिली फ्लेक्स, ये है स्वीट कॉर्न, ये ऑलिव, एंड ये है हमारा पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, ये है सैंडविच स्प्रेड, ठीक है। सबसे पहले हमने नीचे लगा लिया है बटर, ठीक है। अब बटर की दूसरी साइड पे हम लगाएंगे सैंडविच स्प्रेड। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा, बेकरी की शॉप पे भी मिल जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। अब हम इस पे डालेंगे अनियन जो मैंने काट कर पहले ही रखे हुए थे। अब हम डालेंगे इस पे मोजरेला चीज, डालेंगे इस पे टमाटर, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो बताया था मैंने आपको। कॉर्न को आपको थोड़ी देर पानी में ऐसे भिगो कर रखना है ताकि इस पे जो आइस लगी है वो निकल जाए। इसको फ्रीजर में ही रखें। इसके ऊपर डालेंगे ऑलिव्स, उसके बाद हम डालेंगे नमक बिल्कुल चुटकी भर और ब्लैक पेपर। ये हम लगा रहे हैं इस पे पिज्जा और पास्ता सॉस। ये हमने पास्ता सॉस लगा दी है, पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस कुछ भी, ठीक है। ये भी आपको, अब इसको रख देंगे इसके ऊपर, और दूसरी तरफ भी लगाएंगे हम बटर। बटर को भी अच्छी तरह से लगा लें। आप चाहे तो घर पे निकला हुआ जो घर पे निकालते हैं बटर वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दूसरा बटर भी लेकर आ सकते हो मार्केट में जो मिलता है। ये मैं घर का बना हुआ बटर लगा रही हूँ। ये हम धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, ठीक है। आप फ्लेम कम ही करें तो अच्छा रहेगा।
जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो तब तक हम ऐसे ही इसको पकाएंगे। और आई विश कि बहुत टेस्टी लगे बच्चों को। देखिए फ्रेंड, इसका कलर जो है चेंज हो गया है। अब हम इसको फ्लेम बंद करके उतार लेंगे और मैं आपको इसके, देखिए ऐसा बनेगा ये हमारा। तो और अब हम इसको कट करने जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कट कर सकते हो, चार पीसेस में भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स,